शांति। आज की तारीख है 23/2/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाप दादा, हम संगम युगी ब्राह्मणों को अपना फर्ज सुनाते हुए, सिखाते हुए और स्वयं करके दिखाते हुए हम बच्चों को उन्नति के पथ पर आगे ले जा रहे हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे तुम्हारा फर्ज है क्या 1-2 को बाप और वर्षे की याद दिलाकर सावधान करना, इसमें ही सभी का कल्याण समाया हुआ है। प्रश्न है, तुम बच्चे किसे एक गुह्य राज को समझते हो जो कोई साइंस दान वाले भी नहीं समझ सकते? उत्तर है, तुम समझते हो कि आत्मा अति सूक्ष्म स्टार है, उसमें ही सारे जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, वही शरीर द्वारा अपना अपना पार्ट बजा रही है। शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य है, ऐसे ही परमात्मा भी स्टार है, उसमें सारी नॉलेज है, वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, वो कोई हजारों सूर्यों से तेजोमय नहीं है। ये गुह्य राज तुम समझते हो, साइंस दान इन बातों को नहीं समझ सकते। तुम्हें सबको आत्मा और परमात्मा की पहचान पहले पहले देनी है। गीत बजा है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1, रात को जाग कर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान सागर में डुबकी लगानी है, बाप को याद करते नींद को जीतने वाला बनना है। नंबर 2, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, आपस में बाप और वर्षे की याद दिलाते 1-2 को सावधान कर उन्नति को पाना है। वरदान मीठे मीठे बाप दादा का, स्वयं को संगम युगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि ये संगम युग समर्थ युग है, तो सदा यह स्मृति रखो कि हम समर्थ युग के वासी, समर्थ बाप के बच्चे, समर्थ आत्माएं हैं, तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। कलह युग है व्यर्थ, जब कलह युग का किनारा कर चुके संगम युगी बन गए तो व्यर्थ से किनारा तो हो ही गया। यदि सिर्फ समय को भी याद रखें तो याद रहे तो समय के प्रमाण कर्म भी स्वतः ही चलेंगे। आधा कल्प व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, लेकिन अब जैसा समय जैसा बाप वैसे बच्चे। स्लोगन है, जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।